नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश अपने टेक्निकल वर्ल्ड एमजे चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यूट्यूब के लिए वीडियो क्वालिटी को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, कैसे डार्कनेस में कलरफुल में आप बना सकते हैं। जैसे कि आपने मेरा फर्स्ट वाली वीडियो आपने देखी होगी जो मैंने इंट्रो में डाल रखी थी, उस तरह की वीडियो बनाने के लिए मैं आपको आज सिखाऊंगा किस तरह से आप भी अपनी वीडियो को बना सकते हैं। बस जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा वो स्टेप फॉलो करके आप भी अपने यूट्यूब की वीडियो की क्वालिटी को बेहतरीन तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। सो गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूले ताकि ऐसी हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शूट कर ली, शूट करने के बाद दोस्तों यहां पर कुछ इस प्रकार की आपकी वीडियो देखने में लगेगी। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे यहां पर आपको नीचे की तरफ आना है। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, राइट साइड में आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप ब्राइटनेस को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। अभी इसको आपको ब्राइटनेस को ज़्यादा नहीं करना है, आपको 20 रखना है और ये जो कॉन्ट्रास्ट है आपको इसे, ये देखिए यहाँ पर आपको 58 पे रोक देना है और इसको आपको ज़्यादा नहीं करना है, 35-36 पे आपको कर देना है। यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा हो सके तो कर दीजिएगा, ये देखिए कितना बेहतरीन। यहाँ टेम्परेचर को भी थोड़ा कर दीजिएगा अगर आप अपने हिसाब से कलर के हिसाब से जैसा आप करना चाहते हैं, ये देखिए। और हाईलाइट में आपको करना है तो ये भी कर सकते हैं, ये देखिए फेस पे ग्लो आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसको भी कर देंगे। शेडो करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज़ इसको रहने दीजिए और ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है पहले से बेहतरीन हो चुकी है। और इसको आपको फिट करना है स्क्रीन पे, तो यहाँ पर वीडियो पे क्लिक करके और यहाँ जो एरो का है इसको खींच के, ये देखिए अपने हिसाब से आप बड़ा भी कर सकते हैं। और स्टार्ट और एंड पोजीशन को दोनों सेम कर देंगे और ये पूरा वहाँ पर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ा नीचे कर दीजिएगा, हाँ आप ठीक है, इसको दोनों उंगली से स्क्रीन को पकड़ के खींचना है, अभी सेट होगा और टिक पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार चलाकर दिखा देता हूँ। कोई भी वीडियो हो उसको जो है आप इसको बहुत ही ईजिली तरीके से जो है कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर बीच में ही कट करना चाहते हैं, ये कैंची पर क्लिक करके यहाँ से कट करके आप इसको और बड़ा कर देंगे। तो ये देखिए मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ कि कैसा लुक इसका लगेगा, ये देखिए, ये देखिए अचानक से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने काइंड मास्टर से वीडियो की क्वालिटी को बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ओके करके यहाँ पर आप अपने साइज मुताबिक जितना आपको साइज रखना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी बहुत ही इजीली तरीके से आप अपनी वीडियो को अच्छी क्वालिटी की। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हमें कॉमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें ताकि ऐसी हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।